करने के लिए कहा गया है जी। हम लोग निर्णय लिए भाई एक समिति एक छोटी सी दो दिन के अंदर जो है जी हम लोग जांच करा के विधिवत और बीज वितरण जो है ऑनलाइन हो रहा है। अच्छा क्लस्टर में बेचा जा रहा है जी, वितरण किया जा रहा है जी, लेकिन उसका बच्चे से बिल्कुल खुश अवगत होकर के जी उस पर जो भी कार्रवाई होना है हम लोग करेंगे। एटीएम से भी हमने पूछा, वीडियो साहब से बात हुई हाँ। तो बोले कि कुछ दिन जो है जब ऑनलाइन में अधिक दिख रहा था तो वो संडे के दिन ले जा रहा था वितरण करने के लिए, हमको यही बोला जी। है कि नहीं हाँ। हमको लिखित भी दिया है जो वितरण करने के लिए जा रहे थे, तो परिवहन में राशि नहीं होता है इसलिए हाँ। दूसरे के सहयोग से वो जो है ले जा रहा था, तो इसी वो गलत था, उसमें नहीं ले जाना चाहिए था। अच्छा मुझे खबर है सर कि जो ना साहब वो भी बीटीएम के खिलाफ आपको पत्राचार किए हैं। बीटीएम के खिलाफ किए हैं, कल हमको पत्र मिला है, उसके बाद हम जाते हैं तो हमें कार्रवाई में करूंगा। क्या कार्रवाई हो सकती है सर? कार्रवाई उनको यहाँ से हटा देंगे। हटाना कार्रवाई है क्या सर? अवगत होकर हम प्राथमिकता भी करेंगे। धरना क्या सर ये लोग समाप्त कर रहे हैं? धरना तो समाप्त कर देना चाहिए इन लोगों को। नहीं नहीं आपसे क्या वार्ता हुई? धारावाही तो करना तो कर देना चाहिए इन लोगों को। अब ये जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे, एफआईआर करने लायक एफआईआर करेंगे हाँ। उसके बाद जांच करेंगे, है कि नहीं? अच्छा। हाँ पहले एफआईआर लेकर के बड़ी कंप्लेन है यहाँ से सर, और उसके बावजूद धरना के बाद एक माह गुजर गया है। निश्चित जो है हम लोग जो भी होगा आज तक से कल तक हम लोग कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई होगी आज से निश्चित स्थानांतरण हो जाएगा बीटीएम का। स्थानांतरण जो भी नहीं स्थानांतरण नहीं जो भी अगर ठोस उस पर जो है दाम होगा तो निश्चित उसको हटा भी दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा हाँ। और उस पर एफआईआर भी होगा हाँ। कौन है बीटीएम का, क्या नाम है सर? पवन कुमार गुप्ता है। पवन कुमार गुप्ता। अच्छा यहाँ के बीओ का क्या ओपिनियन, क्या उसको मालूम था कि बीज भेजा जा रहा है? नहीं, बीज तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम से जाता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी बीओ को नहीं पता है सर? बीओ को उनको पता करना चाहिए, इनको ही पता और इनको खुद पता करना चाहिए, बीटीएम को नहीं बताना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल, वो जो भी जो बीज आता है बीडीओ के नाम से जाता है हाँ। अच्छा तो बीडीओ तो आपको लिखा है कि उन्होंने कोई दस्तावेज मांगा है, वो अभी तक कोई दस्तावेज दिया नहीं बीडीओ साहब? नहीं तो कई बार मांगने के बाद देना चाहिए, हमको लगता है कि दिया होगा बीडीओ ने झूठ लिखा, वीडियो ने झूठ को कुछ हो जाता है, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होगा जो और नहीं होगा, आपने मना किया है? बिल्कुल नहीं होगा, मान लो कि जो भी जो है जो कागजात है वो प्रस्तुत करेंगे, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। चलिए सुरेंद्र सिंह साहब है जी। नहीं तो आप लोग ऐसा करिए ना, आप लोग भी हम लोग के साथ यहाँ बैठिए, एक सप्ताह में जांच आएगा, एक महीने में जांच आएगा ना? एक महीने में नहीं, एक महीने में होगा, छोड़िए, तीन दिन में इसको बैठिए। हम लोग इस धरना से उठने वाले नहीं है, बस ये हमारा स्पष्ट फैसला है। हम प्रखंड अध्यक्ष हम जानते हैं, हमारे लोग यहाँ सारे लोग बैठे हैं, हम लोग का निर्णय है, बिना एफआईआर का हम समझौता नहीं करेंगे। अब आप अगर कोई दूसरा रास्ता निकालते तो अपना निकालिए, अगर गलत होगा तो निश्चित 15 तारीख से 15 तारीख 10 दिन तो देखबे किए, 5 तारीख बहुत प्यारा है आपका लगता है भैया, एक नंबर का चोर है, हमेशा से सरसों का बिया तेल चिपा के खाता है, किसान को देता नहीं है। दो नंबर में चना तो भर पेट बाल बच्चे खाता है, और जो बचता है सो बेचता है, जो आप देखे पेपर में भी सारा पकड़ा यहाँ किसान लोग ने तुच्छ गमन कर दिया था, और कितना किया उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। सारा किसान मित्र से अवगत है, हमने किसान पाठशाला चलाया है, हम उसके भ्रष्ट से हम अवगत है, कितना बड़ा बदमाश है। और दूसरी बात सर, आप ऑफिसर हैं, ऐसा नहीं आम आदमी ने, जो लोग बैठे हुए हैं ये लोग भी जन नेतृत्व करते हैं। तो आप 2 घंटा में क्यों नहीं जांच करना? डीसी साहब आपके बड़ा गड़बड़ है बॉस, कार्रवाई कर दीजिए सर। आप अभी यहाँ लिख करके अपने अधीनस्थ जो यहाँ के जो कृषि पदाधिकारी चार्जमैन को अभी लिख करके दीजिए, और बीटीएम के जो है वो बने थी आइयो, ठीक है अरे एफआईआर थाना में जाके हो, अरे एफआईआर के कॉपी हमको चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होगा उसका, थाना से जाओ। गोरी पकड़ा गया चोर पकड़ा गया, वो वितर करने जा रहे थे, लिख के दे दिया हम सर। आपका जो गाड़ी यहाँ माल पहुँचा ऐसा नहीं होता, ट्रांसपोर्ट मैं कह रहा था चलान लग रहा, कहिए की मानवता के नाते जैसे भी इनको छोड़ दिए, चलिए जब थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है तो करने दीजिए। इस बार का आप देखिए, ये वाला अखबार का जो कटिंग है तो इधर तो एक बार तो वो घटना घटी सर, अगर इसको भी रविवार ऐसा दिन में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के गाड़ी में, जिनके गाड़ी में बोर्ड लगा हुआ पदाधिकारी का, उस गाड़ी में रविवार ऐसे दिन में आकर के
से भी मैं पूछ पूछ कर जाँच में करा लेता था, तो उनका काम मानसा था, बेचने का था कि बांटने उसी का नेता है, वही सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि और आगे क्या कहते हैं प्रमुख प्रतिनिधि पकड़ करके जिम्मा दे के कार्यालय को सुपुर्द किया गया। अब उसको उतना आदमी सच गलत बोल रहा है ना, ना ये मैं कह रहा हूँ ना, अगर मान ली बाइक देखी है सबसे बड़ी चीज है कि ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं रहता है कि यहाँ से किसानों को गांव में ले जाया जाए, किसान खुद लेने के लिए तैयार है तो कहते ट्रांसपोर्ट का नहीं रहता है। चलिए सर आप रुके ना, आपकी बात मान लेते हैं कि किसान तक ही ले जाने के लिए ले जाया जा रहा था, फिर गाड़ी से बोरिया को पीसीसी पर ही फेंक करके गाड़ी लेके भागने क्या होता है, भागा हुआ है फेंकना नहीं चाहिए। तो फिर यदि ओटीपी उसका जब सस्पेक्ट व्यक्ति हो गया तो उसका डोंगल क्यों नहीं लिया जाए, लेकिन पहला वो पहले जो हमारे पास फरमान है उसके आधार पर आप पहले उसके ऊपर FIR करिए और उसके बाद अगर वो निर्दोष होंगे तो जांच के क्रम में उनको लोग उपायुक्त को भी सूचना दी गई, हमको नहीं दी। हमारी मांग है जिसके लिए हम बैठे हैं, हमारा ये है सर कि वो चोरी करते हुए पकड़ा है, हम आपको फरमान दे रहे हैं आप उन पर विधि सम्मत कार्रवाई करिए और इससे कम में हम लोग मानने वाले नहीं है। आपको लिखित आवेदन पहले भी पढ़ा और मीडिया के माध्यम से भी हुआ, धरना पर बैठने का बाद जो है तो 5 तारीख को लिखित आवेदन दिया गया SDO कार्यालय में 5 जनवरी को, और ये बैठे हैं आज हो गया 15 बैठे हैं, आज 21 तारीख हो गया, 6 दिन लगभग हो गया, इस बीच में हो जाना चाहिए था, जांच हो जाना चाहिए था। जो बात है आज जो है सो 6 दिन से बैठे हुए हैं लोग धरना में, तो आज आप बोल रहे हैं कि हम लोग अब करेंगे, ये अभी तक काहे नहीं हो गया। बात ये है जब 6 दिन ये लोग जब इतना भारी सर्द में ये लोग रहे हैं ठीक है, और आज जो है बोल रहे हैं कि अच्छा हम लोग अभी कमेटी बनाएंगे इसका जांच पड़ताल है, लेकिन अब जो अब इतना बड़ी पदाधिकारी है जिनको कहिए किसी साहब को दिए हैं आपके एडियो साथ रिसीव करवाए हैं, 5 से 14 तक हम समय दिए थे, 5 से 14 तक तो आप कुछ नहीं किए ठीक है, उसमें मेरा अल्टीमेटम था कि 15 से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे, 15 को हम आके बैठे हैं सर हम लोग, और इस कड़ाके ठंड में आज 6 दिन हो रहा हम लोग का, एक बार आप हाल चाल पूछने को नहीं आया, अगर रहते 26 तारीख को बंद हो जाती उसका ट्रॉमा क्यों नहीं हुआ, गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति है अगर दिया हम लोग लाइन लगाना पड़ता जब तक हम यहां नहीं मिलता। अच्छा सर बाद में नहीं बोलो जी, पिछले तो जांच में होगा, ये सूचना है सर, हिंदुस्तान का कटिंग अपा आरटीए अधिनियम क्या कहता है, रजिस्टर ने सीडी का दाम आरटीए दे दिए, इतना डिमांड 10,000 रुपया 10,000 का मांग दिया सीडी के, किसको दिए हैं जानकारी देने के लिए मांगा गया, ये तो 10,000 रुपया दे दीजिएगा कि पैसा 10,000 जमा कर पाएगा, आप आवेदन मत करिए, बड़का बड़का को लगा रहे थे उपलब्धियाँ सर कर रहे हैं कार्रवाई सर, हम उसके लिए इतना सहारे हैं सर ना, तब इनको बचाया गया नहीं, तो गलत है, आप कितना करते हैं।